विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी शुरुआत की है, जिसका मकसद है हृदय संबंधी बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। दुनिया में हर साल एक बड़ी आबादी हार्ट संबंधी बीमारियों के कारण जान गंवा देती है। हार्ट संबंधी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। तनाव भरी जिंदगी, खानपान की खराब आदतें, आराम भरा जीवन कुछ आदतें हैं जो हार्ट को बीमार कर रही है। वर्ल्ड हार्ट डे 2022 यह संदेश देने की कोशिश है कि लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, खासतौर पर हार्ट को मजबूत करने वाले व्यायाम करें, लाइफस्टाइल ऐसी रखें जो और शरीर के महत्वपूर्ण अंग हृदय को हानि न पहुंचाए। इस विषय पर हृदय रोग तज्ञ डीएम कार्डियो डॉक्टर तनु नामदेव ने हमारे संवाददाता से इस दौड़ धूप भरी जीवन शैली में अपने हृदय को स्वस्थ रखने की बात साझा की। डॉक्टर तनु ने बताया कि अनियमित दिनचर्या, अनुचित खानपान, धूम्रपान और अनिद्रा तो मुख्य कारण है ही, साथ ही शरीर में होने वाले छोटे मोटे बदलाव, रक्तचाप और शर्करा की अनियमितता जिसे हम हमेशा ही अनदेखा कर देते हैं, साथ ही डॉक्टरों ने दिए गए दिशा निर्देशों को नजरअंदाज करते हैं, ऐसे में घातक और जानलेवा साबित हो सकता है। अपने शरीर के साथ साथ हृदय को स्वस्थ रखने हेतु नियमित व्यायाम, योग और योग्य खान पान को अपने जीवन में निरंतर कर ऐसी जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है, ऐसी बात उन्होंने कही। ये वर्ल्ड हार्ट डे या विश्व हृदय दिवस, इसकी शुरुआत की गई थी वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सन 2000 में। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों में हृदय रोगों के संबंधी जागरूकता फैलाना। आजकल हम देख रहे हैं कि हृदय संबंधी रोग विश्व एवं भारत में मृत्यु का प्रमुख कारण है और 1/3 का कॉज है हार्ट संबंधित मोर्टैलिटी का। तो इनसे बचने के लिए कुछ ऐसे हम ये कार्य कर सकते हैं, जैसे कि अपनी खानपान की आदतों को नियंत्रित रखना, अपने ऐसे ब्लड प्रेशर, शुगर संबंधित जो भी रोगों का इलाज है वो डॉक्टरों की नियमित जांच करवाना एवं नियमित औषधि लेना। अगर हम इन संबंधी बातों का ध्यान रखेंगे तो असामयिक हार्ट की जो बीमारियाँ हैं उनसे बच सकेंगे। तो इस वर्ष की जो थीम है वर्ल्ड हार्ट डे की, वो यही है कि यूज़ हार्ट टू कनेक्ट हार्ट्स। जैसे कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपने हृदय से कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादातर लोग, खासकर समाज के ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उन्हें हम मीडिया के द्वारा एवं टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा यह संदेश दें कि वे अपने हृदय का ख्याल रखें एवं एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना भागीदार दें। इसका कारण यह है कि हार्ट संबंधी बीमारियों के लिए जो रोग जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, ये सभी बीमारियां आजकल असामयिक रूप से सामने आ रही हैं, जिसका मुख्य कारण है अत्यधिक स्ट्रेस, खानपान पे ध्यान ना देना, अनिद्रा, तो और साथ ही हमारी जीवन शैली जिसमें व्यायाम को हम प्राथमिकता नहीं देते, योग को शामिल नहीं करते। अगर हम अपनी जीवन शैली को बदलेंगे और कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो इन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापे से बचकर हम हृदय संबंधी बीमारियों से भी बच सकते हैं। आम नागरिक ने सबसे पहले तो अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा अपने जो भी समय के साथ आने वाले रोग हैं जिन्हें हम नहीं टाल सकते, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो इन संबंधी बातों को भी कंट्रोल में रखना है, जो डॉक्टरी सलाह रहती है उन्हें पूर्णतः पालन करना है। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।